नमस्कार। कहते हैं ना कि हर तरह का डर के अपने मन से बाहर निकाल देना। अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हो या कहीं पे भी कुछ भी आप करो, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डर है ना, तो वह डर आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। फैक्ट, हर तरह के डर को अपने मन से खत्म कर देना। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि एक डर को अपने अंदर हमेशा बिठाए के रखना। आप सोचोगे सर, हर तरह के डर को खत्म करना यह आपके लाइफ के लिए बेटर है, लेकिन एक तरह का डर अपने मन के अंदर क्यों बिठाना? बिल्कुल, मैं आज आपको बताऊंगा। और वो डर आपके अंदर होना चाहिए। वो डर अगर आपके अंदर होगा ना, तो आप सुंदर बनोगे, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी और आपका हर जगह मान सम्मान और हर जगह आप ऊंचाइयों की बुलंदियों पर छूओगे। वह डर आपके अंदर होना चाहिए। बाकी आप कितने ही, आपके अंदर अगर हजार तरह का डर है, तो उस डर को खत्म कर देना। अगर दूसरे टाइप को डर आपने खत्म नहीं किया ना, तो वो आपको खत्म कर देंगे। लेकिन आज मैं आपको एक विशेष तरह का डर बताऊंगा। वो डर हर इंसान के अंदर होना चाहिए, और जिस इंसान के अंदर वो डर है ना, वो हमेशा आगे बढ़ता जाता है, कभी भी नीचे नहीं जाता है। और वो डर कौन सा है आपको पता है? वो डर है भगवान का डर। बिल्कुल, हर इंसान के अंदर भगवान का डर होना बहुत जरूरी है। सारे डर को खत्म कर देना अपने मन से, लेकिन भगवान के डर को खत्म मत करना। अब आप कहोगे सर, भगवान के डर को अपने मन के अंदर रखें तो क्या होगा उससे? बिल्कुल फैक्ट के साथ मैं बताऊंगा, भगवान का डर अगर आपके अंदर है तो क्या होगा। देखिए, आप झूठ बोलने से डरोगे। आप झूठ बोल रहे हो, आपको पता है कि कोई नहीं जानता है, मैं अकेला जानता हूं, मैं उस इंसान से झूठ बोल रहा हूं। लेकिन अगर आपके अंदर भगवान का डर है ना, तो आप भगवान से डरोगे झूठ बोलने से पहले। और यार, भगवान क्या सोचेंगे यार, क्या होगा? आप झूठ नहीं बोलोगे, ये डर आपको झूठ नहीं बोलने देगा। अगर आपको भगवान का डर है, तो आप सामने वाले को धोखा नहीं दे पाओगे। कोई नहीं देख रहा है, आप अकेले हो और आपको लग रहा है सामने वालों को क्या पता चल रहा है। किसी चीज का कोई भी सामने वालों को धोखा दे देते अपने फायदे के लिए। लेकिन जब आपके मन में भगवान का डर होगा ना, तो आप सामने वाले व्यक्ति को धोखा नहीं दे पाओगे। आप सोचोगे यार, कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर वाला जरूर देख रहा है। यह डर आपको गलत कार्य नहीं करने देगा। यह डर आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा। जब आप गलत कार्य करोगे ही नहीं, तो आप कभी भी लोगों के सामने बेइज्जत नहीं होंगे। ये डर आपको किसी के प्रति नफरत पैदा नहीं करने देगा, आपको मन में ईर्ष्या पैदा नहीं करने देगा। आप किसी से ईर्ष्या करोगे तो आप, अगर आपके मन में भगवान का डर होगा, तो नहीं यार, सामने वाले से ईर्ष्या नहीं करनी। सामने वाले के लिए आप अच्छा सोचोगे। अगर आपके अंदर भगवान का डर होगा ना, तो आप बेईमानी नहीं करोगे। आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो या कहीं बिजनेस कर रहे हो, आपको क्या लगा यार, उसको पता नहीं पड़ रहा यार, बेईमानी करके पैसा कमा लो। भगवान का डर होगा तो आप बेईमानी नहीं कर पाओगे। भगवान का डर होगा तो आप किसी का अहित नहीं कर पाओगे। भगवान का डर होगा ना, तो आप अपने सही मार्ग पर चलोगे जीवन। तो यह डर आपकी लाइफ के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए बहुत अच्छा है। हर तरह के डर को मिटा देना अपनी लाइफ से, लेकिन भगवान का डर हमेशा रखना। आप जब कुछ भी वर्क करोगे ना, गलत कार्य कुछ भी करोगे अपने फायदे के लिए, चाहे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपके मन से एक अंदर से एक आवाज जरूर आएगी। अगर आप भगवान से डरते होंगे तो आप कोई भी गलत कार्य करने जाओगे तो मन से आवाज आएगी, ये गलत कार्य मत करना, तेरे लिए बहुत ही हानिकारक, तेरे लिए बहुत ही नुकसान होगा। अगर आपके मन से ये आवाज आएगी, ये भगवान के डर की आवाज आएगी, और वह डर आपको जीवन में कभी भी गलत कार्य नहीं करने देगा।
इसलिए हर इंसान के जीवन में भगवान का डर अवश्य होना चाहिए। अगर आपके अंदर भगवान का डर है ना, तो आप कभी भी गलत कार्य, कभी भी बेईमानी, कभी भी झूठ और कभी किसी को धोखा नहीं दोगे, क्योंकि आप भगवान से डरते होंगे। और जो इंसान भगवान से डरता है ना, वो कभी झूठ, धोखा, बेईमानी, फरेब, चापलूसी, नफरत, ईर्ष्या किसी से नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर भगवान का डर होता है। इसलिए यह डर आपके लिए अच्छा है। हर तरह के डर को अपने मन से निकाल देना, लेकिन यह डर अपने मन में हमेशा रखना, यह आपके लिए हमेशा अच्छा होगा।